हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका जीपीएस गेटवे में। इस वीडियो में हम आपके मोबाइल के अंदर डिजिटल ट्रैकिंग एप्लीकेशन में ओवरव्यू ऑप्शन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर से डिजिटल ट्रैकिंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप एप्लीकेशन को खोलेंगे और अपने यूजर नेम और पासवर्ड से लॉग इन करेंगे। लॉग इन करने के बाद आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरह से नजर आएगा। डैशबोर्ड में आप यहां ऊपर की तरफ देख सकते हैं एक एरो का आइकन बना हुआ है। जब आप उस पर क्लिक करते हैं, जब आप इसको ओपन करते हैं तो एक स्क्रीन नजर आएगी जो आपके अकाउंट से जुड़े हुए सभी वाहनों को दिखाती है और उनकी ओवरव्यू रिपोर्ट बताती है। यहां जो जानकारी आप देख पा रहे हैं वो है सभी वाहनों का स्टेटस, जैसे कि उनका रनिंग, स्टॉप, आइडल। इसके बाद आप देख सकते हैं कि वाहन ने कितने किलोमीटर तय किए हैं। अगली जानकारी आपको बताती है वाहन की एवरेज स्पीड और उसके बाद वाहन का टाइप, जैसे कि वो ट्रक है, स्कूटी है या कार है। किसी निर्धारित दिन के लिए वाहन की ओवरव्यू रिपोर्ट देखने के लिए यहाँ जो ऊपर की तरफ आपको तीन लाइन नजर आ रही हैं, आपको उस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही स्क्रीन पर एक पॉपअप नजर आएगा जिसमें आपको वो तारीख लिखनी होगी जिस दिन का ओवरव्यू रिपोर्ट आप देखना चाहते हैं। तारीख लिखने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना होगा। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पर उस तारीख की ओवरव्यू रिपोर्ट। तो ये था हमारा आज का वीडियो। ऐसी ही और जानकारियों के साथ हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जीपीएस गेटवे को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Track anywhere, anytime.